हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेल की रसोई में। आज हम बनाने वाले हैं एक नई रेसिपी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और पसंद आए फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम बना रहे हैं हरी चटनी, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मैंने लिया है 2 टमाटर, ये आप देख रहे होंगे पके हुए टमाटर एकदम लिया था मैंने, हरा धनिया, मिर्च और लहसुन। तो मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लें। और यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच दही, थोड़ा सा गिर गया, खैर चलता है। तो इसमें कटोरी में 2 चम्मच दही है और नमक। तो चलिए सबसे पहले हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें हम ये टमाटर को, धनिया पत्ती, मिर्च, लहसुन सबको डाल देंगे। तो थोड़ा बड़ा जार लिया है मैंने। अब यहाँ डाल देते हैं टमाटर को पहले। तो टमाटर डाल देते हैं। आप इस चटनी को एक बार ज़रूर बना के देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। ये चटनी पकौड़े के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। टमाटर डाल दिया मैंने, अब डाल देते हैं मिर्च को और लहसुन को। तो लहसुन को डाल देते हैं, अब धनिया पत्ती डाल देंगे। और इसमें जो मैं डाल रही हूँ दही, तो अगर आप दही नहीं खाते हैं तो आप दही की जगह आधा नींबू का रस डाल दें इसमें। ये देखिए धनिया पत्ती मैंने डाल दिया, धनिया पत्ती को पहले अच्छे से धो लेना है, उसके बाद टुकड़ों में करके डाल देना है। अब दही डाल देते हैं, तो दही को पूरा मैं डाल दे रही हूँ, ये 2 चम्मच दही था, आप देख रहे होंगे छोटी कटोरी है। अब उसके बाद नमक डाल देंगे। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा, 2 चम्मच के करीब। ये देखिए, आप नींबू का रस डालें तो साथ में थोड़ा सा सरसों का तेल भी डाल दें। यहाँ मैं दही ऐड कर रही हूँ इसलिए मैं सरसों का तेल नहीं डाल रही हूँ, सरसों के तेल से भी बहुत टेस्ट आता है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे हमें अच्छे से पीस लेना है एकदम बारीक। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। इसे 2 से 3 मिनट लगता है बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए मैंने पीस लिया, इस तरह से हमारी चटनी बनी है। ये देखिए, तो दही की वजह से एकदम हरा कलर नहीं आया है। अब इसे निकाल लेते हैं 1 कटोरी में। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो थोड़ा सा ढक्कन में था, उसे मैं निकाल ली। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कितना जल्दी यह चटनी बनकर तैयार हो गया हमारा। ये देखिए इस तरह से बना है हमारा चटनी। तो पूरा निकाल लेते हैं इसमें। तो ये देखिए, तो आपको जितने लोगों के हिसाब से बनाना है उतना ही टमाटर लें आप। तो ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई, दही वाली चटनी। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी फ्रेंड्स। और अगर आज की मेरी ये चटनी वाली रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में।